देखिए फिलिस्तीन के ऊपर जो है काफ़ी सालों से जुल्म हो रहा है और इस बार तो जो है एक हफ्ता से लगभग जुल्म की इंतहा हो गई। बच्चों पर निशाना बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों पर, और 450 से ज़्यादा बच्चे जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। और जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के आवाज़ में तो आवाज़ है नहीं, मुँह में बोली नहीं है। और वो लोग अगर चाहे तो एक घंटे में जो है ना इसराइल को शांत करा सकता है, अपना पेट्रोल बंद कर दे। अरे जो है बेगुनाह फिलिस्तीनियों के लिए उन लोगों ने क्या किया इसराइलों ने, उन लोगों ने पानी बंद कर दिया। इस तरह से कोई बदला लेता है? बदला क्या, एक तो फिलिस्तीन के ज़मीन में ही वो लोग जो है कब्ज़ा किए हुए हैं, ऊपर से फिर फिलिस्तीनियों को मार रहा है। तो ये इस तरह का जो है ये बहुत ही गलत हुआ है फिलिस्तीन के साथ। निकाला गया था जुलूस किशनगंज में, कहाँ से कहाँ? जुलूस नहीं था, वो पैदल मार्च था, 10-15 लोग थे हम लोग। जी जी। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना सौदागर पट्टी से होते हुए आपका ये गांधी चौक तक हम लोगों ने जो है पैदल मार्च किया। झंडा भी जलाया गया? हाँ, इसराइल का झंडा हमने जलाया। जलाया जी। कौन सा कंट्री का? हाँ, कौन सा कंट्री का झंडा? वो तो कंट्री है ही नहीं इसराइल। अच्छा, कौन सा जगह का झंडा था? अब वो कौन से जगह का था, वो कोई तो देश है नहीं उसका, है इसराइल तो फिलिस्तीन के जगह को कब्जा किया हुआ है। और क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस वार को रोका जाए और फिलिस्तीन का जो हक है, जो उसकी ज़मीन है, अलक्सा मस्जिद है, उसको वापस किया जाए फिलिस्तीनियों को। और इसराइल जो है वो शरणार्थी बन के आया था, आज उसने अपना दावा ठोक दिया और फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। हमास तो सपोर्ट कर रहा है ना फिलिस्तीन को? तो हमास को तो मैं नहीं जानता, हमास कोई संगठन होगा क्या है उसके बारे में, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। इसराइल का झंडा भी था जुलूस के दौरान? हाँ, जुलूस के दौरान झंडा भी था। इसराइल कोई कंट्री है ही नहीं, इसराइल को कोई देश कंट्री नहीं मानता। जो झंडा फहराया गया था तिरंगा के साथ, एक झंडा भी, वो कौन सा कंट्री का? वो तो फिलिस्तीन का था जी। भारत का भी झंडा था? हाँ, भारत का भी झंडा था। और भारत के मुसलमान और जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सब फिलिस्तीन के साथ हैं। और कल ही विदेश मंत्री का जो है बयान आया कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। जुलूस निकल
जला गया तो क्या पता नहीं, ऐसा सूचना प्रकाश में आई है कि इसराइल का झंडा जलाया गया है। उसके बाद में इसके विषय में हम तहकीकात करें, तहकीकात करने के बाद आपको विस्तृत बताएंगे जाएगा। अभी कुछ उड़ती हुई खबर है, अभी मैं जाके जांच पाया जाए तो कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलिस्तीन का झंडा ऊपर था, भारत का झंडा नीचे था, वो सब की जांच हो रही है अभी। चूंकि हम लोग बाहर से आए हैं, अभी पहली नज़र में देखने जाए पता चलता है कि लगता है किसी अज्ञात लोगों के या किसी एनजीओ के द्वारा जलाया गया, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। अभी जांच करके पूरा डिटेल बताते हैं। सर, जुलूस के अंदर में मुस्लिम ब्रदरहुड के मतलब नारेबाजी, अभी कुछ नहीं जानते हैं, पहले जाँच कर लेते हैं, जाँच के बाद आपको विस्तृत बताते हैं। फिलिस्तीन का समर्थक मानते हुए जुलूस निकाला गया, उसमें इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन यदि शांतिपूर्वक कोई भी जहाँ से यदि अनुष्ठान या जुलूस निकलता है तो उस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग चेक कर लेंगे इसको।